कराई गई है। आज जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन था और मैं समझता हूँ कि 500 से ऊपर जोड़े को जो है आज शादी हो रही है और ये हम सबका बहुत सौभाग्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो आज उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया है कि इतनी एक साथ इतनी बेटियों को कन्यादान करने का अवसर हम सबको मिल रहा है और हम लोग अपने जीवन को धन्य है कि किसी की एक बेटी होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ तो हम लोग 500 बेटियों को कन्यादान दे करके अपने आप को अपने जीवन को हम लोग सार्थक मानते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सबको स्वावलंबन बनाने के लिए आज कोई भी व्यक्ति चाहे किसी रूप में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी ब्याह उसके रोजगार सभी चीज़ों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी चिंता कर रहे हैं। आज अनुप्राशन से लेकर के और हर को शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में आज बेटियों को आगे के लाने के लिए क्योंकि समाज के हर क्षेत्र में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो व्यवसायिक क्षेत्र हो आज हर क्षेत्र में बेटियां आज बेटों से आगे निकल करके काम कर रही हैं और उस पर सरकार का पूरा सहयोग। क्या दिया गया आपके? देखिए सरकार की तरफ से 35,000 रुपया नगद उनके अकाउंट में जाएगा बाकी और सब चीज़ें 10,000 रुपया का गिफ्ट दिया जा रहा है। मेरे तरफ से अटैची साड़ी कपड़ा लड़के के लिए और बाकी जितने और सामान होते हैं कि अपने घर में यूज करने के लिए वो सब चीज़ भी उसमें सब रखते हुए सब दिया जा रहा है। सभी उन लोग विदाई किया जा रहा है मैंने हर तरह के मैंने और समाज के और भी लोग हैं जो वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। मंत्री जी आप अपनी इन बच्चियों को आपने बताया कि मेरी बेटियां हैं और मैं उनकी सुरक्षा के पूरा इंतजाम की जिम्मेदारी लेता हूं और प्रशासन जिला प्रशासन को आश्वस्त करता हूं। SP महोदय ने खुद कहा कि ये सब हमारी बहनें हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इनकी सब चिंता हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार की तरफ से अपने तरफ से ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोग इन सबों की सभी सुख दुख के भागी बनेंगे जहाँ भी इनकी आवश्यकता होगी। एक जो जिस तरह से आज हम लोगों ने कन्यादान किया है तो आज कन्यादान के बाद वो हमारी सब बेटियाँ हो गई और बेटियों को जो भी हम प्यार करते हैं वो सब का अधिकार इनके ऊपर है। वो अपने पिता की तरह हम लोग पर अधिकार कर सकती हैं जो भी उनको कभी भी आवश्यकता पड़े उसके लिए हम लोग के दरवाजे 24 घंटा उनके लिए खुला रहे। ठीक।